नमस्कार, R9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह। इस वक्त की बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर। जहां एक महीने में सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। एक महीने सीएम योगी आदित्यनाथ को पूरे हो चुके हैं। जिस तरीके से एक महीने में कई अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं, उनमें से एक बड़ा फैसला जो ये रहा कि मुफ्त राशन योजना को 3 महीने बढ़ा दिया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये एक बड़ा फैसला लिया था, मुफ्त राशन योजना को 3 महीने तक बढ़ा दिया गया था। और इसी के साथ 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियों को भी जब्त किया गया था। और जितने भी अपराधी हैं, माफिया हैं, उन पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को भी पूरा किया गया। एंटी रोमियो स्क्वाड को वापस से शुरू करने की कवायद जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। और सीएम आवास पर जनता दर्शन की शुरुआत। अब लोग अपनी फरियाद लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर सीधा जा सकते हैं अपनी फरियाद को लेकर। ये कई अहम फैसले सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने इस एक महीने के कार्यकाल में लिए हैं। इतना ही नहीं, एक्शन के साथ साथ में पेपर लीक मामले में बलिया के जो DIOS थे उनको अरेस्ट किया गया। विभागों की 100 दिन की कार्य योजना को तैयार किया गया। ये बड़ी खबर है आपके सामने, जहां आज से सीएम योगी आदित्यनाथ के एक महीने के कार्यकाल पूरा हो चुका है। जिन एक महीने में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीरों को बदलने की कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। एक अलग अंदाज में जो एक्शन मोड में इस समय यूपी में जिस समय सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल भी है कि आने वाले समय में यूपी की तस्वीरें कहीं ना कहीं बहुत हद तक बदलती हुई नजर आएंगे। क्योंकि एक महीने के कार्यकाल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें से मुफ्त राशन योजना अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला रहा है। मुफ्त राशन योजना को 3 महीने की अवधि के साथ में बढ़ाया गया, 3 महीने तक बढ़ाया गया। इतना ही नहीं, 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियां जो रही हैं माफियाओं की, उनको जब्त करने का एक बहुत बड़ा आदेश भी रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ की। ये कई बड़े फैसले हैं जो हम आपको बता रहे हैं। इसी के साथ एंटी रोमियो स्क्वाड को वापस से शुरू किया गया। सीएम आवास पर अब जनता फरियाद लेकर सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सकती है। ये कई अहम बड़े फैसले रहे हैं। और इसी पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अमितेश, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को आज से एक महीना पूरा हुआ है और एक महीने में कहीं ना कहीं अगर हम देखें तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज एक महीना पूरा हो गया और इस एक महीने के अगर कार्यकाल को देखें तो तमाम ऐसे काम हुए हैं उत्तर प्रदेश में जिनकी चर्चा खूब हो रही है। चाहे वो गरीबों के लिए मिलने वाला जो मुफ्त राशन योजना है उसकी बात करें, या फिर 100 से ज्यादा अपराधियों और माफियाओं पर जिस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं, बुलडोजर चला है उसकी बात करें, या फिर सीएम आवास पर जनता दर्शन की शुरुआत हुई है, एंटी रोमियो स्क्वाड दल की जिस तरीके से एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पे उनको उतारा गया है, साथ ही जो अलग अलग विभाग है उनके 100 दिन की जो कार्ययोजना का विस्तार है, वो कार्ययोजना जो तैयार की गई है उसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी कार्रवाई अगर हम इस एक महीने के देखें तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों पर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त और तेवर जो है उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। और DM SSP समेत तमाम जो अलग अलग विभागों के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको निलंबित किया गया है। और निलंबन के दरमियान ही एक मैसेज, एक संदेश देने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोशिश है कि अब उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों की खैर नहीं है, लापरवाह अधिकारियों की खैर नहीं है। और जिस तरह की कार्रवाई मुझे लगता है कि एक महीने के दरमियान में हुई है, तकरीबन एक दर्जन से ज्यादा जो बड़े अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, उन पर गाज गिरी है। तो जाहिर सी बात है कि एक महीने के कार्यकाल के अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, तो जहां अपराधियों पर उन्होंने सख्ती दिखाई है, माफियाओं पर बुलडोजर चला है, जो भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारी हैं उन पर गाज गिरी है, कार्रवाइयां हुई हैं, वहीं तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनकी चर्चाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, चाहे वो आम जनता से जुड़ी हुई तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनको जमीनी स्तर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लागू किया है। तो कुल मिलाकर आप कह सकती हैं कि एक तरफ तो कार्रवाइयों का सिलसिला एक महीने में खूब चला,
दूसरी तरफ एक अच्छी तस्वीरें भी नजर आई कि तमाम जो महत्वपूर्ण योजनाएं जो आम लोगों से जुड़ी हुई है उन पर भी ग्राउंड जीरो पर यानी जमीनी स्तर पर उन पर भी काम किया गया। बिल्कुल, और क्योंकि अगर देखें महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश भी कहीं ना कहीं की जा रही है, चाहे मुफ्त राशन योजना एक ऐसी योजना रही है जो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ को महिलाओं का बहुत ज्यादा समर्थन मिला है। और इसके बाद इस अवधि को बढ़ाना हो, चाहे जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना हो, भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगानी हो, बर्खास्तगी जिस तरीके से की जा रही है अपने आप में एक बहुत तमाम सवालों को ला रही है। लेकिन अब क्या लग रहा है, अभी तो मात्र एक महीना पूरा हुआ है, अभी आगे 3 महीने का एक जो एजेंडा भी कहीं ना कहीं 100 दिनों का एजेंडा जो बनाया गया है इसको लेकर के आगे क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? देखिए, हमने तमाम मंत्रियों से बात की, आपसे थोड़ी देर पहले ही एक कैबिनेट मंत्री से हम बात कर रहे थे और उनसे हमने सवाल किया कि एक महीने के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं और ऐसा कौन सा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फैसला रहा जिन पे आप लोगों को गर्व महसूस हो रहा हो, फक्र महसूस हो रहा हो। तो जाहिर सी बात है कि गरीबों के लिए उन्होंने कहा कि जो गरीबों को अनाज मिल रहा है ऐसे वक्त में जब कोविड काल में पूरी देश और दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गरीबों को अन्न मिले, दो वक्त की रोजी रोटी का उनको बेहतर इंतजाम हो सके इसके लिए काम किया। उसके अलावा बड़े पैमाने पर उन्होंने कहा कि अभी भर्तियां शुरू होंगी, साथ ही तमाम ऐसी कार्य योजना 100 दिन की उसके बाद से 2 साल की फिर 5 साल की बनाई गई है, वो कार्य योजना है जब ग्राउंड जीरो पे उनका क्रियान्वयन होगा तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर और पूरी तरीके से बदली हुई नजर आएगी। लेकिन अगर हम एक महीने के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को देखें तो ये समझ में आता है कि जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले कार्यकाल के मुकाबला ज्यादा सख्त उन्होंने तेवर अपनाए हैं, बड़े फैसले लेने के लिए इस बार की जो दूसरी पारी है वो जानी जाएगी और उसके अलावा तमाम ऐसे फैसले नजीर बन जाएंगे। और खासतौर पर यही वजह है कि विपक्ष की जो खामोशी है वो बता रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोई भी ऐसे बिल्कुल ये कह सकते हैं खामियों से सीखने की कोशिश कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बखूबी की है, क्योंकि जिस तरीके से ये तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं, चाहे महंगाई पर, बेरोजगारी पर, रोजगार पर रहा हो, महिलाओं के लिए काम करने की बात की गई हो, किसानों के लिए काम करने की बात की गई हो, चाहे युवाओं के लिए, ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसको कहीं ना कहीं जनता के साथ साथ में विपक्षियों ने भी भरपूर तरीके से अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की थी, चुनावी दौर में भी हमने देखा। और ऐसे में जिस तरीके से भी आपने कहा है कि पिछले सरकार के कार्यकाल के मुकाबले में इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए कि एक महीने के कार्यकाल को देखें तो तमाम ऐसे अहम और महत्वपूर्ण फैसले लिए, उन फैसलों में कोई भी देरी नहीं की गई। गाजियाबाद के SSP हैं उनको हटाया गया, उसके अलावा तमाम जिलों के जो जिलाधिकारी हैं लापरवाह उनको हटाया गया, कईयों को निलंबित किया गया, साथ ही तमाम अलग अलग विभागों के अधिकारियों पर गाज गिरी और ये कार्रवाई लगभग हर रोज हो रही है। तो एक संदेश देने की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोशिश कर रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों की खैर नहीं है और ये शुरुआत है। पिछले एक महीने का अगर आंकड़े देखें आप तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं जितनी कार्रवाइयां हुई हैं। दूसरी तरफ लगातार जो मीटिंगों का दौर चल रहा है, जो बैठकों का दौर चल रहा है, उस बैठकों के जरिए उत्तर प्रदेश में किस तरीके से एक नया माहौल बनाया जाए, नया उत्तर प्रदेश कैसे बनाया जाए, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल जरूर खड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में। पिछले दिनों लगातार अगर हम देखें तो तमाम ऐसी हत्याएं हुई हैं प्रदेश के अलग अलग जगहों पे जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार कटघरे में जरूर खड़ा हुई है, विपक्ष को एक मौका जरूर मिला है। लेकिन अब उन कानून व्यवस्था को भी सुधारने की पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर इसका एक वानगी देखने को मिलेगी जहां पर तमाम जिलों के जो लापरवाह कप्तान है पुलिस अधिकारी है उन पे गाज गिरेगी। तो वहीं तमाम ऐसे भी बड़े फैसले योगी सरकार लेगी जो एक नजीर बन सके और खासतौर पे उन लापरवाह अधिकारियों के लिए नसीहत जो देने का जो सिलसिला है वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार जारी है। फिलहाल आप कह सकती हैं कि एक महीने के दरमियान जहां महत्वपूर्ण फैसलों ने उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, 100 दिन की जो रूपरेखा तैयार की गई है आने वाले दिनों में और एक आखिरी सवाल भी आपसे, रूपरेखा तैयार करने की कोशिश भी की जा रही है और एक संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन
इसका संदेश जनता के पास क्या जाता है? आप लोगों से मिलते हैं, आम जनता से मिलते हैं, हर रोज उनकी राय भी जानते हैं, किस तरीके से वो इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ के इन फैसलों पर क्या नजर डालते हैं, क्या कुछ समझ में आता है जनता को, क्या कुछ एक अलग ही रिएक्शन जनता को इस बार देखने को मिल रहा है जनता की तरफ से? देखिए, मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है तमाम लोगों से। हम लोग हर रोज मुलाकात करते रहते हैं। लोगों का कहना है कि कानून व्यवस्था को लेकर थोड़ी सख्ती और बरतनी होगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, चाहे वो प्रयागराज में हत्याओं की बात करें या फिर तमाम प्रदेश के अलग अलग जगहों पर लगातार जो हत्याएं हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, वो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल जरूर खड़े कर रही हैं। उन पर थोड़ा सा लगाम लगाना होगा और एक नई कहीं ना कहीं आप कह सकती हैं कि अपने कार्य योजना के तरीके से कानून व्यवस्था को और मजबूत करना होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। उसके अलावा विकास के मुद्दे पे जनता बहुत खुश है। विकास के मुद्दे पे जनता का भी मानना है कि आने वाले दिनों में जिस तरह की रूपरेखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बनाई गई है, जब वो अपना आकार लेगा तो उत्तर प्रदेश में विकास की एक नई रफ्तार देखने को मिलेगी। जनता दर्शन में भी हमने तमाम लोगों से बात करी, उस दरमियान जनता दर्शन की भी शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है, लेकिन कमियां नजर आई वहां पर। तमाम जनता दर्शन में जो दूर दराज से अलग अलग जिलों से लोग आए थे, तमाम लोगों की समस्याएं कहीं ना कहीं जमीनों को लेकर तमाम दिक्कतें सामने आ रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही जिलों के अधिकारियों से कह दिया है कि जिले स्तर पर भी तमाम जो समस्याएं हैं आम लोगों की वो निपटाई जाए। जमीनी मसले में कहीं ना कहीं युद्ध स्तर पर कार्रवाइयां हों, लेकिन जिलों के जो जिलाधिकारी हैं और तमाम विभाग के अलग अलग अधिकारी हैं उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आ रही है। और यही वजह है कि आप जनता दर्शन में जब जाइए तो लंबी कतारें आपको देखने को मिलेंगी। तमाम बुजुर्ग महिलाएं हो या फिर नौजवान हो अपनी लंबी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सभी फरियाद लेकर आए हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर जिले स्तर पर इन तमाम कार्रवाइयों को की जाए, जो जिले के अधिकारी हैं मुख्यमंत्री की योगी आदित्यनाथ की जो मंशा है उस मंशा के अनुरूप अगर जिले के जो जिलाधिकारी हैं और तमाम जो अलग अलग विभागों के राजस्व के अधिकारी हैं अगर वो कार्रवाई करते हैं तो मुझे लगता है कि ये लंबी लाइनें जो मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में देखने को मिल रही हैं उन लंबी लाइनों में से फिलहाल राहत मिलेगी। लेकिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर साफ बता रहे हैं कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिननी तय है और यही वजह है कि इसकी शुरुआत भी पिछले एक महीने में हो गई है। और जिस तरह की एक लंबी सूची सामने आ रही है वो हैरान और परेशान करती है कि आखिरकार अधिकारी जो लापरवाह अधिकारी हैं जब वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं तो आखिरकार मुख्यमंत्री की तरफ से उनके खिलाफ कड़े और बड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, और एक बहुत बड़े फैसलों के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ इस बार नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम सीतापुर जेल पहुंचे हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम सीतापुर जेल पहुंचे हैं, किस लिए? आजम खान से मुलाकात करने के लिए। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है, जहां प्रमोद कृष्णम के जाने से अब सियासी हलचल काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले एक दिन पहले सपा नेता पहुंचते हैं लेकिन आजम खान उनसे मिलने के लिए मना कर देते हैं। यानी रविदास मेहरोत्रा आजम से मिलने कल जेल जाते हैं, सीतापुर जेल जाते हैं, लेकिन आजम खान से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है। बीमारी का हवाला देते हुए आजम खान मिलने से मना कर देते हैं, जिसके बाद एक सियासी हलचल जो है जो कहीं ना कहीं इस बार बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आजम खान राजनीति की धुरी बनते हुए नजर आ रहे हैं। पहले जयंत चौधरी की मुलाकात आजम खान के परिवार से होती है, फिर शिवपाल यादव खुद सीतापुर जेल पहुंचते हैं आजम खान से मुलाकात करने के बाद, और घंटों तक उनकी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, आगे की रणनीतियों पर विचार किया जाता है। और उसके अलावा अब जिस तरीके से रविदास मेहरोत्रा सपा नेता अगर जब पहुंचते हैं तो उनसे मुलाकात करने से मना कर दिया जाता है, आजम खान उनसे मिलते नहीं है, लेकिन आज ही ये बड़ी खबर जहां कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम अब सीतापुर जेल पहुंचे हैं, वो भी आजम खान से मुलाकात करना चाहते हैं, आजम खान से मिलना चाहते हैं, जिसके बाद से अब आजम खान को लेकर तमाम सवाल बने हुए हैं कि आजम खान पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है, हर कोई आजम खान से मुलाकात करने के लिए दिन पर दिन
सीतापुर जेल की दस्तक देते हुए नजर आ रहा है। फिर वो चाहे शिवपाली यादव हो, चाहे सपा के प्रतिनिधि मंडल ही क्यों ना हो, और उसी के साथ में जयंत चौधरी ही क्यों ना हो, जयंत चौधरी की मुलाकात आजम खान के परिवार से होती है, लेकिन उसके अलावा शिवपाल यादव सीतापुर जेल में खुद जाते हैं उनसे मुलाकात करने और उनकी मुलाकात भी होती है। लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से आज ये बड़ी खबर आपके सामने है, जहां आचार्य प्रमोद कृष्णम पहुंचे हुए हैं सीतापुर जेल उनसे खुद मुलाकात करने, क्या कुछ सियासी मायने हैं। कांग्रेस की तरफ से भी आजम खान को टटोलने की कोशिश, एक सियासी हलचल इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आजम खान पर अब तमाम सवाल, आजम खान के नाम पर तमाम सवाल अब सामने आ रहे हैं कि आजम खान को लेकर लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या कुछ आगे रणनीतियां बनने वाली हैं, क्या कुछ आगे रणनीतियां बनती हुई नजर आएंगी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजीव सिंह जुड़ चुके हैं। संजीव, एक अलग ही तस्वीर है हमारे सामने, जिस तरीके से कल पहुंचते हैं सपा नेता लेकिन उनसे मुलाकात नहीं होती है, और आज कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम सीतापुर जेल पहुंचते हैं उनसे मुलाकात भी होने वाली है, क्या कुछ संदेश माना जाए इसको? जी बिल्कुल चित्रा, निश्चित तौर पे अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरह से कल अगर रविदास मल्होत्रा जो लखनऊ मध्य से विधायक हैं वो जेल सीतापुर जेल जाते हैं आजम खान से मिलने, और कहीं ना कहीं जो हवाला किया दिया जाता है जेल प्रशासन द्वारा कि आजम खान की तबीयत खराब है और आजम खान मिलने की स्थिति में नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक अंदेशा है कि आजम खान स्वयं नहीं चाहते थे कि वो मुलाकात करे समाजवादी पार्टी के किसी नेता से, चाहे विधायक हो, उनसे नहीं मुलाकात करना है। लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले जब शिवपाल यादव सीतापुर जाते हैं और कई घंटों तक जो है मुलाकात होती है और हाथ मिलाकर के स्वागत किया जाता है, दोनों वही बड़े नेता रहे हैं और समाजवादी पार्टी में जिस तरह से उन्होंने खड़ा किया था, कहीं ना कहीं जिस तरह से आज आचार प्रमोद कृष्ण जो कांग्रेस के नेता है वो सीतापुर जेल पहुंचते हैं और आजम खान से मिलने की जो कवायद है वो शुरू हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक कयास भी लगाया और सियासी गलियारों में साफ चर्चा भी बनी हुई है कि आखिरकार आजम खान से मुलाकात के लिए जो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, तमाम जो दल है वो मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चित्रा, आजम खान जेल में बंद है लेकिन उनका जो एक अलग से अगर हम देखें, जिस तरीके से आजम खान को लेकर सियासी रसूख उनका इतना बढ़ चुका है कि तमाम नेता उनसे मिलने की होड़ में लगे हुए हैं, मिलने के लिए हर दिन एक नई तस्वीर आ जाती है कि सीतापुर जेल में अब कौन जाने वाला है आजम खान से मुलाकात करने। शिवपाल यादव के बाद में जिस तरीके से रविदास मेहरोत्रा जाते हैं उनसे मुलाकात नहीं होती है, आचार्य रविदास जिस तरीके से हम देख रहे हैं प्रमोद कृष्णम के जाने के बाद में सियासी हलचल बढ़ चुकी है, तो क्या लग रहा है आजम खान पर तमाम सवाल इस बार बन चुके हैं कि आजम खान आखिरकार, एक तरफ जो नाराजगी भी जाहिर हो चुकी है जिस तरीके से कल उन्होंने मना किया मुलाकात करने से सपा नेता से, और आज कांग्रेस के नेता से मुलाकात, शिवपाल यादव से मुलाकात, नाराजगी जाहिर हो चुकी है, आजम खान इस बार कहीं ना कहीं अपने एक पाला बदलने की राह पर जरूर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल चित्रा, निश्चित तौर पे अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरह से नाराजगी अखिलेश यादव से आजम खान की है और ये नाराजगी काफी लंबे समय से, क्योंकि करीब 2 वर्ष से आजम खान सीतापुर जेल में बंद है और कहीं ना कहीं जो नाराजगी है कि अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं आते हैं, तो अगर कल की अगर बात की जाए तो जो समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा और अन्य नेता समाजवादी पार्टी के वहां पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं जो उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है उस पर भी सवाल निशान भी खड़ा होगा कि आखिरकार, क्योंकि 2 दिन पहले जब शिवपाल यादव सीतापुर जेल जाते हैं वहां उनसे घंटों मुलाकात होती है और काफी चर्चा होती है, अहम मुलाकात मानी जा रही थी, लेकिन किस तरह से कल अगर आजम खान समाजवादी पार्टी के नेताओं से नहीं मिलते तो कहीं ना कहीं ये सियासी गलियारों में साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आजम खान की नाराजगी समाजवादी पार्टी से आज भी बरकरार है। चित्रा, बिल्कुल बरकरार है, लेकिन इसको आगे क्या देखा जाए, कांग्रेस नेता पहुंचे हैं तो ये संभव है, ये कह सकते हैं कि आजम खान क्या, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि AIMIM में शामिल हो सकते हैं, तो कभी ये होता है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से नाराज है, अखिलेश यादव का दामन छोड़ सकते हैं और अब कांग्रेस नेता से मुलाकात, तो मतलब आजम खान के मन में भी कहीं ना कहीं बहुत सारे विचार जरूर चल रहे हैं, क्योंकि सपा नेता से अगर उन्होंने मुलाकात नहीं की है तो नाराजगी जाहिर है, लेकिन बाकी के दलों के नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं, इसको किस तरीके से समझें, क्या वाकई में अब अपने दल को छोड़कर कांग्रेस का भी दामन थामने की कोशिश आजम खान की तरफ से की जा सकती है और मनाने की कोशिश भी कहीं ना कहीं, मनाने की कोशिश में भी, समझाने की कोशिश में भी सारे नेता लगे हुए हैं। जी बिल्कुल चित्रा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का मिलना और उसके बाद अगर बात की जाए आज कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्ण का सीतापुर जेल जाना और आजम खान से मुलाकात करना,
ये सियासी गलियारों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। और अगर बात की जाए तो AIM के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी कहीं ना कहीं अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए आजम खान को न्योता दे चुके हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आजम खान किसके साथ जाते हैं। लेकिन सबसे अहम है कि शिवपाल यादव के साथ एक घंटे तक मुलाकात करना जेल में, जिस तरह से और एक प्रेम पूर्वक जिस तरह से हाथ मिलाकर के उन्होंने स्वागत किया था शिवपाल यादव का, और शिवपाल यादव ने आजम खान के साथ हाथ मिलाया था, तो कहीं ना कहीं जो मित्रता है वो साफ नजर आ रही थी। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो नाराजगी की, तो निश्चित तौर पर आजम खान समाजवादी पार्टी से लगातार नाराज और अपना दर्द भी व्यक्त करते, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आज कांग्रेस के जो नेता हैं आचार्य प्रमोद किशन वो मुलाकात करने जाते हैं, ये अब देखना होगा कि आखिरकार आजम खान किस करवट जाते हैं और किसके साथ खड़े होते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। चित्रा बिल्कुल बिल्कुल आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक ना एक हलचल जरूर दिख रही है। जिस तरीके से अखिलेश यादव का कल बयान भी सामने आया, जब उनसे ये पूछा गया कि उन्होंने मुलाकात करने से मना कर दिया, जिस तरीके से सपा नेता रविदास मेहरोत्रा उनसे मिलने गए तो उन्होंने ये साफ कहा कि मैं आजम खान की जमानत के लिए प्रयास करूंगा, मैं उनके साथ हूं, समाजवादी पार्टी उनके साथ में है, लेकिन इस मुलाकात के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो एक तरफ क्या कह सकते हैं कि अखिलेश यादव एक तरफ चुप्पी भी साधे, लेकिन कल उनके बयानों के बाद से भी तमाम ज्यादा सवाल भी उठ रहे हैं। तो इसका खामियाजा जो है, आजम खान अगर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से इतनी नाराजगी के बाद अगर उनको छोड़ देंगे, समाजवादी पार्टी को छोड़ देंगे, तो खामियाजा अखिलेश यादव को होगा। और आजम खान जिस पाले में जाते हुए नजर आएंगे तो अपने आप में आजम खान के साथ में जो उनके समर्थक जुड़े हुए हैं, तो अपने आप जो वो बेस वोट है वो कहीं ना कहीं खिसकता हुआ भी नजर आएगा। जी बिल्कुल चित्रा, देखिए बात की जाए क्योंकि मुस्लिम समुदाय में आजम खान एक बड़े नेता हैं और समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में भी काफी अहम भूमिका रही आजम खान की, तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो दर्द सबने देखा है, और जो नाराजगी जाहिर भी की थी कि इतने समय से जब सीतापुर जेल में बंद रहे आजम खान और अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करने नहीं जाते, तो कहीं ना कहीं नाराजगी और दर्द छलका भी था। और शिवपाल यादव जिस टाइम अभी दो दिन पहले जब वो मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रेम पूर्वक मिलते हैं, तो एक कयास भी लगाया जा रहा है कि कहीं शिवपाल यादव और आजम खान मिलकर के थर्ड फेज यानी कि थर्ड फ्रंट की पार्टी ना तैयार कर ले, या आजम खान शिवपाल यादव के साथ मिलकर के नई पार्टी का एक गठन कर ले, वो देखने वाले को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से आज अगर कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद किशन सीतापुर जेल जाते हैं और आजम खान से मिलने की जो है वो कवायद शुरू होती है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार आजम खान का रुख वो देखने को मिलेगा कि आजम खान किसके साथ है, और समाजवादी पार्टी से जिस तरह से नाराजगी है वो सबने देखी है। चित्रा बिल्कुल बिल्कुल, समाजवादी पार्टी से नाराजगी भी सबने देखी है, और आजम खान किसके साथ में है ये सवाल अभी भी सबके मन में बना हुआ है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। यूपी टेट परीक्षा 2021 से जुड़ी बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां 20,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक दिया गया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने रिजल्ट को रोका है, हाई कोर्ट के आदेश पर परीक्षा में शामिल किया गया था, जिसके बाद आज रिजल्ट को रोक दिया गया है। 20 अभ्यर्थियों के रिजल्ट को रोका गया है। इन अभ्यर्थियों ने NIOS से DLED परीक्षा पास की है। वही हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अब अपील करने की बात भी कही जा रही है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अपील करने वाले हैं। सचिव ने शासन से अपील करने के लिए अनुमति भी मांगी है। तो वहीं अभ्यर्थियों के रिजल्ट में कोर्ट केस लिखकर अब आ रहा है। ये बड़ी अपडेट यूपी टेट से जुड़ी आपके सामने, जहां 20,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक दिया गया है। ये बड़ी खबर यूपी टेट परीक्षा से जुड़ी, जहां एक बार फिर से यूपी टेट पर एक अलग ही अपडेट, एक अलग ही सवाल पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से यूपी टेट परीक्षा 2021 से ये जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने है कि 20,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है वो रोक दिया गया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इस रिजल्ट को रोका है। बता दें कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के रिजल्ट से ये बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 20,000 अभ्यर्थियों का यूपी टेट 2021 का रिजल्ट जारी नहीं किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने इन अभ्यर्थियों को टेट परीक्षा में शामिल कर लिया था, लेकिन अब इनका रिजल्ट जो है वो रोक लिया गया है। ये बड़ी अपडेट यूपी टेट परीक्षा से जुड़ी आपके सामने है, जहां 20,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है वो रोक लिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने इन 20,000 अभ्यर्थियों को टेट परीक्षा में शामिल तो कर लिया था, लेकिन अब इनके रिजल्ट को जो है वो रोक लिया गया है। इन अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी
NIOS से DLED परीक्षा पास की है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी रिजल्ट घोषित करने की बजाय अब सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील करने की बात और डबल बेंच में अपील करने जा रहे हैं। सचिव ने शासन से अपील करने की अनुमति भी मांगी है। ये बड़ी अपडेट आपके सामने यूपी टेट परीक्षा से जुड़ी आपको बता दे, जहां इन अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय यानी NIOS से DLED परीक्षा को पास किया था और वहीं सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने रिजल्ट को घोषित करने की बजाय अब सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील करने जा रहे हैं। सचिव ने शासन से अपील करने की अनुमति भी मांगी है। टेट में शामिल इन अभ्यर्थियों के रिजल्ट में कोर्ट केस लिखकर अब सामने आ रहा है। ये यूपी टेट परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां 20,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है वो रोक दिया गया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 20,000 अभ्यर्थियों के रिजल्ट को रोका है। हाई कोर्ट के आदेश पर इन परीक्षा को शामिल किया गया था। इन अभ्यर्थियों ने NIOS से DLED परीक्षा को पास किया था, जिसके बाद अब इनका रिजल्ट को जो है वो रोक दिया गया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने रिजल्ट को रोक दिया है। यूपी टेट परीक्षा से जुड़ी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लगातार यूपी टेट को लेकर एक बहुत बड़े सवाल भी बनते नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से आज 20,000 अभ्यर्थियों के रिजल्ट को रोक दिया गया है। फिलहाल अभी के लिए हमारे साथ बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहें R9 News के साथ। नमस्कार।